हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल. ऑन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द कैरेक्टर एंड ट्रेड्स एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स एंड हाउ टू बिकम द ट्रेड्स ऑन द पर्सन ऑन द ह्यूमन. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना कि ट्रेड्स और कैरेक्टर क्या होते हैं और कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे पर्सन के ट्रेड में हमें दिखाई देते हैं, ह्यूमन्स में कैसे दिखाई देते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के बारे में. क्रोमोसोम के भी टाइप्स होते हैं और क्रोमोसोम क्या होते हैं. यही एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जो जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है. ठीक है, यही होता है क्रोमोसोम जो हमारे ह्यूमंस में सेक्स डिसाइड करता है कि जो बेबी है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है. ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं. क्रोमोसोम नंबर इज कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीजेस. क्रोमोसोम नंबर एक कांस्टेंट होता है किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए ऑफ अ स्पीशीजेस. स्पीशीजेस के इंडिविजुअल्स के लिए कांस्टेंट होता है एंड ईच बॉडी सेल ऑफ दैट स्पीशीजेस हैज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और हर बॉडी सेल में स्पीशीज की कोई भी बॉडी सेल होगी उसमें नंबर कैसा होगा क्रोमोसोम का, सेम ही होगा. ठीक है, वो डिफर नहीं होगा. अगर हमने कहा ह्यूमंस में 46 होते हैं तो 46 ही आपको सारे ह्यूमन बॉडी में मिलेंगे. ठीक है, जिसमें हमारे 22 ऑटोसोम्स होते हैं और वन पेयर जो होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है जो डिसाइड करता है कि वो जो ह्यूमन है वो बॉय है या गर्ल है. ठीक है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं. और एक चीज मैं बता देती हूँ, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर में पाए जाते हैं. किस में पाए जाते हैं, ये पेयर्स में पाए जाते हैं. जैसे मैंने कहा इसमें वन पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं एक पेयर में. तो अगर हम 46 क्रोमोसोम की बात करें तो कितने पेयर हो जाएंगे, 23 पेयर हो जाएंगे इसके. ठीक है, 23 पेयर्स हो जाएंगे. अब हम कुछ नंबर्स डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम के जो हमें क्या बताते हैं, एनिमल और प्लांट्स में कितने, कुछ एनिमल प्लांट्स के डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे क्रोमोसोम्स हम बताएंगे. एस्कैरिस में 2 पेयर होते हैं, पेयर्स में ही बताएंगे. ठीक है, नंबर्स में बताएंगे, पेयर में नहीं बताएंगे. एस्कैरिस में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, अनियन में 16 होते हैं. मेज में मक्की की बात करें तो 20 होते हैं. लायन में 38 होते हैं, टाइगर में 38 होते हैं. अगर पेयर की बात करें तो इसमें 1 पेयर हो गया, इसमें 8 पेयर्स हो गए, है ना, डबल होंगे ना तो वैसे ही हो जाएंगे, डबल कर लीजिए. 10 पेयर हो गए, इसमें 19 पेयर हो गए. 38 का भी देखा जाए तो 19 पेयर हो गए, ये भी 19 पेयर हो गए. 40 की बात करें तो इसमें 20 पेयर हो गए. 20 को जब हम ओपन करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे. इसकी 46 है तो 23 पेयर होंगे इसमें. गोरिल्ला में 24 पेयर होंगे, इसमें भी 24 पेयर होंगे. इसमें हमारे 54 हैं तो कितने हो जाएंगे, 54 के हाफ कर लीजिए उतने पेयर्स हो जाएंगे, 27 पेयर हो गए. इसी तरह इसकी बात करें तो इसमें आपके 36 पेयर हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे, 39 पेयर होंगे. इसमें भी 39 पेयर होंगे, हाँ, और इसमें 200 हैं तो 100 पेयर्स होंगे. ठीक, तो ये थे हमारे नंबर्स की बात करते हैं. एस्कैरिस में 2 क्रोमोसोम हो गए, अनियन में हमारे 16 क्रोमोसोम्स हो गए, मेज में 20 क्रोमोसोम्स हो गए, लायन में 38, टाइगर में 38, डोमेस्टिक कैट में 38, माउस में 40, इंसेक्ट्स में मोर देन 1000 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे. ठीक है, नंबर्स की बात कर रहे हैं. ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम हो गए, गोरिल्ला में 48 क्रोमोसोम्स हो गए, पोटैटो में 48 हो गए, मंकी में 54 हो गए,
डॉग में 78 हो गए, चिकन में 78 हो गए, क्रेफिश में 200 हो गए। ये हमारे इतने इतने क्रोमोसोम्स हमारे पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो सेम नंबर क्रोमोसोम हर इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, और यही एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। होमोलॉगस पेयर क्या होते हैं? जो सारे सेम होते हैं, होमोलॉगस होते हैं जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं, होमो मतलब होता है सेम, जिनमें कोई भी डिफरेंस ना हो। तो क्रोमोसोम्स अगर इन पेयर्स, क्रोमोसोम्स हमारे पेयर्स में होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन्स में 23 पेयर्स होते हैं, अगर टोटल देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम होंगे नंबर्स की बात करें तो, ठीक है। टू क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। दो क्रोमोसोम ऐसे जो जिनके ऐसे पेयर जिनके जिसके शेप और साइज कैसे होंगे, सेम होंगे, सिमिलैरिटी होगी, वो कहलाते हैं हमारे होमोलॉगस। आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स पेयर्स आर कॉल्ड होमोलॉगस। आइडेंटिकल मतलब जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं हमारे, जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है वो कहलाते हैं हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये इसकी मेन डेफिनेशन है होमोलॉगस क्रोमोसोम की। अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द शेप सेम शेप्स एंड साइज वन ऑब्टेन फ्रॉम ईच पेरेंट। अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम, करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स के जो पेयर हैं ऑफ द सेम शेप्स, जिसके शेप और साइज कैसे होते हैं, सेम होते हैं, वन ऑब्टेन फ्रॉम ईच पेरेंट। जो क्रोमोसोम का सेट तैयार होता है उसमें एक क्रोमोसोम पेरेंट का, मतलब मदर फादर होते हैं तो एक मदर का होगा एक फादर का होगा, ठीक है, पेयर में होगा ना। अगर एक पेयर की बात करें तो टू क्रोमोसोम्स हुए, तो टू क्रोमोसोम में एक फादर का होगा एक मदर का होगा बेबी में, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ऑब्टेन फ्रॉम ईच पेरेंट, पेरेंट में भी सेम होते हैं, फादर में जितने क्रोमोसोम होंगे वो सेम होंगे, मदर में जो होंगे सेम होंगे। मतलब सेम का मतलब ये है, ये मत कहिएगा कि वो फीमेल है या मेल है, ऐसा नहीं, मतलब जितने क्रोमोसोम्स हैं वो सेम होंगे, मेल में जो मेल के हैं वो मेल के होंगे, जो फीमेल के हैं वो फीमेल के होंगे, ठीक है। तो ये बात मैं कह रही हूं। और जब बेबी होता है, जब बेबी जनरेट होता है मदर के वॉम में, तो उसमें क्या होते हैं, दोनों पेरेंट के होते हैं ना, मदर के भी और फादर के भी, दोनों के होंगे ना। तो ये इसीलिए कहा गया है कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक मदर का होता है एक फादर का होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे इसकी कैटेगरी की, बात करते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। ये हमने क्रोमोसोम पढ़ लिया, होमोलॉगस पढ़ लिया, होमो कहीं भी आएगा, होमो से ये समझ लीजिएगा जिसमें सारी चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं, सिमिलैरिटी होती है, उसमें डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, तो वो होमोलॉगस होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कैटेगरी की। कैटेगरी की बात करें तो इसकी जो दो कैटेगरी हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताई थी, जो टू कैटेगरीज हैं, टू मेन कैटेगरीज, मेन कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। टू मेन कैटेगरीज अगर हम देखें क्रोमोसोम्स में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे, ऑटोसोम की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, हमारी जो टू मेन कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट वन इज द ऑटोसोम और सेकंड होती है हमारी सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स होती है और सेक्स क्रोमोसोम्स होती है, ये दो मेन कैटेगरी होती है हमारे क्रोमोसोम्स की। तो अब हम बात करते हैं ऑटोसोम की, बात करते हैं ऑटोसोम की, बात करें ऑटोसोम्स ऑलमोस्ट हमारे होमोलॉगस की तरह ही मिलते जुलते होते हैं। जो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें हमारे सारे आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब
क्रोमोसोम्स पेयर्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होते हैं किसमें, हमारे पेयर्स में, ठीक है। मीन्स 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स। जो 22 पेयर्स होते हैं 1 to 22 वो ऑटोसोम्स में आते हैं, ठीक है। मतलब वो पूरी तरह से क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम की। एक चीज और बता देती हूँ, जो ऑटोसोम्स होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं हम इनको एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। तो जो एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, तो जो 22 पेयर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ये सेम होते हैं, ठीक है। जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, यहां से डिफरेंस हमारा पैदा होता है, बनता है, डिफरेंस हमारा यहां से होता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ठीक है। तो जो हमारे 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, मीन्स यहां से क्या आ जाता है, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में हमारा जो क्रोमोसोम आएगा वो क्या आएगा, एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, और ये वही वाई है जो डिफाइन करता है कि बेबी बॉय है। अगर इसमें हमारा ये दिख रहा है तो ये क्या है, बेबी बॉय है, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें फीमेल की बात करें, तो जो 23rd पेयर है हमारा, इसमें फीमेल में दोनों क्या होंगे, एक्स एक्स होते हैं। जो इसका जो पेयर है 23rd पेयर, यही डिफाइन करता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करें तो हम आपको बता दें कि अगर इनके क्रॉस कराए जाते हैं, एक्स एक्स ये हो गया आपका फीमेल का और ये एक्स वाई हो गया आपका मेल का, ठीक है। जब इसके हमने क्रॉस कराए तो एक्स एक्स जब मिल जाता है, फीमेल का एक्स और मेल का एक्स मिलता है, तो बेबी गर्ल होती है, ये गर्ल हो गई। अगर इसी एक्स का हम इस वाई से कराते हैं तो बेबी क्या हो गया, वाई आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, बेबी बॉय हो गया। इसी तरह इस एक्स का इस वाई से कराया तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी होती है, इसकी जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो क्या बनती हैं, कि जो हमारे दो बेबीज क्या होंगे, इसमें हो सकता है जब इनके क्रॉस होते हैं तो बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी। तो जो कई लोग की सोच है कि सारी चीजें लेडीजों पे डिपेंड करती है, नो, लेडीज सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करती हैं, लेडीज के क्रोमोसोम से सेक्स डिफाइन नहीं होता है। जो सेक्स फाइनलाइज होता है वो मेल के क्रोमोसोम से होता है। अगर इसका एक्स क्रोमोसोम आएगा तो बेबी गर्ल होगी, क्योंकि जो फीमेल के होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, तो इनसे कोई भी लेना देना नहीं होता है। जो भी डिफरेंसेस आते हैं वो मेल के क्रोमोसोम से आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो हमारे क्रोमोसोम की बात की हमने, तो ऑटोसोम हमारे 22 पेयर्स हमारे क्रोमोसोम सेम होते हैं, 23rd पेयर हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो ये बताता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं बता देती हूँ, जो ये होते हैं हमारे मेल के होते हैं, तो जो ये वाई क्रोमोसोम होता है ये एक्स के कंपेरिजन में छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये स्मॉल होता है एक्स के कंपैरिजन में, ठीक है।
तो मैं एक बार आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसके बारे में एक बार और एक चीज मैं डिस्कस करवा देती हूँ आप लोगों को। जैसे ये हमारा एक पेयर है, हम पेयर बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये एक पेयर हो गया हमारा, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह